ये कहानी सिक्कट पंचायत की है जो कि बराड़ी प्रखंड के कटिहार जिला का अंतर्गत में पड़ता है। इस पंचायत के लीडर शीतल चौधरी ने राशन कम देते हैं और पैसा अधिक लेते हैं। जब हमारे समुदायक उनके पास राशन लेने के लिए गए तो उन्होंने पैसा अधिक ले रहे थे, तो समुदायक ने बोला कि पैसा अधिक लेते हमको पूरा राशन दीजिए। उन्होंने बताया कि हम इतना ही देंगे क्योंकि मुझे ऊपर के अधिकारी को घूस देना पड़ता है। तो आपका डीलर है कितना राशन दे रहा है? 18 किलो। आप पैसा कितना ले रहा है? 56 रुपये। तो आप डीलर को कुछ बोले? हाँ बोले। तो डीलर ने क्या बताया? बोला कि 4.5 किलो ही देंगे, जो आगे पीसी लेता है अफसर लोग। हाँ। उनको हम कहाँ से देंगे, तो इन्हीं में से काट के देंगे, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आगे कहाँ पे पीसी लगता है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग चुप रह जाते हैं। वो डायरेक्ट कह दिया तुम लोगों को, जहाँ जाना है जा सकता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो को भी लिख के दिया गया, वीडियो को भी बात फोन पे कराए, वीडियो कहता है डीलर से बात करा, डीलर कहता है हमको ईडीओ वीडियो से किसी से मतलब नहीं है, किसी जिला पदाधिकारी के पास जाओ, हमको किसी से ही जरूरत नहीं है, जहाँ जाना है तुम लोग जा सकता है। वीडियो भी बात नहीं किया, वीडियो भी मोबाइल को रख दिया, स्विच ऑफ करके रख दिया। अब बताइएगा किन के पास जाएगा? लास्ट में हम वीडियो को फोन लगाए, वीडियो बोलता है कि हम उस पर अभी तुरंत कार्रवाई करते हैं, उससे हम पूछते हैं, अभी तो कुछ पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन डीलर साहब उतने ही दे रहा है। एमओ से बात किए, एमओ बोलता है कि हम जो है नहीं है, हम कैसे हम बटवाएंगे, उस जगह पर नहीं है, जो देता है वही ले लीजिए, अगले बार से होगा तो हम देखेंगे कि क्या देता है नहीं देता है। अब बताइए, एक डीलर हो कि इतना जिला पदाधिकारी को धमकी दे रहा है, तो फिर इसके लिए तो सरकारी आदमी बेकार है उनके पास? बड़े बड़े अफसर बन के कुर्सी पर फिर क्यों बैठा है? गरीबों को ही चूस कर खा रहा है, तो फिर उसको सरकार बनाया क्यों? क्या ये बड़ा अफसर बन गया, ये डीएम बन गया, ये कलेक्टर बन गया, फिर डीएम कलेक्टर बनने से क्या फ़ायदा है? जब गरीब को ही नहीं देखेगा तो बनने से क्या फ़ायदा है? तो आप फिर चाहते क्या है? चाहते यही है कि जो कार्ड पे दिया गया है उतना हमको राशन मिलना चाहिए। जो पैसा ले लेता है, पैसा भी ज़्यादा लेता है, वापस करता भी नहीं है, राशन भी कम मिलता है। मैं भी खुद इसी पंचायत के रहने वाली हूँ, हमें भी इस डीलर के पास राशन के लिए जाना पड़ता है, मेरे समुदाय को, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं चाहती हूँ कि हमें और हमारे समुदाय को उचित मूल्य राशन मिले। जितने भी दर्शकों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे SDO साहब का नंबर है 94-73-19-13-77 पे कॉल करके दबाव बनावे, जो कि उचित मूल्य पर हमें और हमारे समुदाय को राशन मिले। और मैं हूँ रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।